हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर गुड बिल, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है गुड यानी अच्छा, बिल यानी कामनाएं, मंगल कामनाएं या अच्छी इच्छाएं, ठीक है ना। ये हमारी पंक्तियां हैं जो हमारे यजुर्वेद से ली गई हैं, यजुर्वेद, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है ना। तो हमारी पंक्तियां कुछ पंक्तियां हैं जो यजुर्वेद से ली गई हैं। तो चलिए चलते हैं पंक्तियों पर। सबसे पहला स्टैंजा देखते हैं कि मे दैट वाई विच वॉइस मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स एंड स्टडी इन असेंबलाइज परफॉर्म देयर टास्क That fearless spirit that lies in all creatures, may that my mind resolve on what is good. तुम्हारा फर्स्ट स्टैंजा है, देखते हैं कि मे दैट, हे ईश्वर, मे दैट का मतलब होता है हे ईश्वर, ठीक है ना। तो अधिकतर मे दैट ज्यादा प्रयोग में आएगा, तो इसका तो होता है हे ईश्वर। मे दैट वाई विस वाइज मैन स्किल इन रिचुअल्स, कि व्यक्ति को सबसे पहले क्या होना चाहिए, वाइज मैन, वाइज बुद्धिमान होना चाहिए, स्किलफुल इन रिचुअल्स, और रिचुअल यानी जानते हो क्या होता है रिचुअल्स, धार्मिक अनुष्ठान, और स्किलफुल यानी कलाओं यानी निपुण। तो सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में कैसा होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, ठीक है ना। एंड स्टडी इन असेंबलाइज परफॉर्म दियर टास्क, और सभी प्रकार की सभाओं और टास्क में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए यानी नियमित होना चाहिए, ठीक है ना। दैट पियरलेस स्प्रिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, स्प्रिट यानी होती है आत्मा, ठीक है ना, पियरलेस यानी बेजोड़, इन ऑल क्रिएचर्स यानी सभी जीव जंतुओं में। तो इसलिए व्यक्ति को अपने सभी प्रकार की सभा में नियमित होना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा रहती है वो सभी जीव जंतुओं में कैसी रहती है, बेजोड़ रहती है, कभी खत्म नहीं रहती है। यानी इसका क्या होता है, एक एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होता है आत्मा का। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण आत्मा के बारे में बताया गया है। तो फोर्थ पंक्ति देखते हैं, मी दैट फोर लाइन, मी दैट माई माइंड रिजोल्व ऑन व्हाट इज गुड, हे ईश्वर, मेरे माइंड को रिजोल्व करने के लिए बताएं कि व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है, ठीक है ना। आप मुझे इतनी शक्ति दें, मेरे मस्तिष्क को इतनी शक्ति दें कि क्या अच्छा है, ठीक है ना। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा की ओर, मे दैट विच इज डीप नॉलेज इंटेलेक्ट मेमोरी दैट विच इज डेथलेस फ्लैम इन लिविंग बीइंग्स, मे दैट हे ईश्वर, विच इज डीप नॉलेज, यहाँ पर डीप नॉलेज यानी गहरा ज्ञान, इंटेलेक्ट मेमोरी जो आत्मिक मस्तिष्क, इन विच डेथलेस फ्लेम, यहाँ पर सीधा तौर पर डेथलेस फ्लेम का संबंध आत्मा से बताया गया है। फ्लेम यानी होता है लौ, आग की लपटें, इन लिविंग बीइंग्स यानी सभी जीवित जीवों में। तो हे ईश्वर कि आप हमारे ज्ञान को, मेमोरी को तेज बढ़ाएं, और हमारी जो आत्मा, जो सभी जीवों, जीवित जीवों में जो आत्मा है, उनको, उनकी समझ को बढ़ाएं, ठीक है ना, जो व्यक्ति जी रहे हैं। विथाउट विच नथिंग व्हाट एवर इज डन, यानी उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, आत्मा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब लास्ट स्टैंजा देखते हैं, मी दैट माई माइंड रिजोल्व ऑन गुड, हे ईश्वर, मेरे मस्तिष्क को इतनी शक्ति प्रदान करें कि व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है। मी दैट विच गाइड्स मैन लाइक ए गुड चैरिएटर, हे ईश्वर, आप मुझे एक मार्गदर्शक, मार्गदर्शक दें, एक किसके तरह, लाइक ए गुड चैरिएटर यानी सारथी बनकर आप मुझे मार्गदर्शक करें। हु कंट्रोल्स फीट फूटेड हॉर्स विद द रियूंस, जो हमारा मन है वो क्या है, एक घोड़े के समान है, ठीक है ना, घोड़े के समान ताकतवर है वो, क्या है, यहाँ कहीं भाग जाता है, ठीक है ना। तो दैट विच एवॉइड्स इन हर्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, जो हमारा मन है प्रतीक्षा करता है
कि कहीं ना कहीं वो कैसा हो जाए, भाग जाए, ठीक है ना। तो मी दैट माई मन रिजॉल्व हिज गुड, इसलिए हे ईश्वर आप मुझे इतनी शक्ति दें कि हमारे अंदर अच्छी से अच्छी चीजें आए और हमें ये बता सकें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल सी पोयम है, दो तीन बार पढ़िए आपको जरूर समझ में आएगी। और हमारी इस अच्छी सी पंक्तियां यजुर्वेद से ली गई हैं, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तब तक आप इसको एक दो बार और पढ़ के समझ लीजिए। बहुत ही सुंदर और सी पंक्तियां इसकी लाइंस हैं, आप जरूर देखें। थैंक यू।